सिंगरौली में वन विभाग के वन रक्षक शीतल सिंह की हत्या कर दी गई। आरोपी कमलेश साकेत ने एक साप्ताहिक बाजार में हुए विवाद के बाद गुस्से में आकर ट्रैक्टर से वन रक्षक को कुचल दिया। सिंगरौली वन विभाग में पदस्थ वन रक्षक शीतल सिंह की हत्या एक मामूली विवाद के चलते कर दी गई। घटना चितरंगी के बनिया नाला दरबारी के पास की है, जहां आरोपी कमलेश साकेत साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचता है। सब्जी के भाव को लेकर वन रक्षक और सब्जी व्यापारी में विवाद हो गया। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने वन रक्षक शीतल सिंह को ड्यूटी पर जाते समय ट्रैक्टर से कुचलकर घसीटा, जिससे वन रक्षक की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुनने में तो ये आ रहा है कि पिकअप पीछे से आई है, उन्होंने सामने से फिर मोड़ा है अपना गाड़ी, सामने से फिर उनको मतलब जानबूझ के किया गया है। तो यहाँ से फोन आया दोस्तों का कि आपके मतलब भैया एक्सीडेंट हो गया। बाजार लगा होता, साप्ताहिक बाजार हो गया, सब्जी लेने के बात हुई। मुंशी जी ने कहा कि भाई इतना महंगी सब्जी क्यों दे रहे हो, कम कर लो, हो गया। तो उसने कहा कि भाई वर्दी लगा के तुम हमको रोक दिखा रहे हो, गया हमारी जो मन वही हम देंगे, हो गया। तुमको लेना तो लो, नहीं लेना तो आगे बढ़ो, हो गया। तुम्हारे जैसे हमने मुंशी बहुत देखा, हो गया। ये बात इसी से बात बहस हुई और थोड़ा सा बात इसी चर्चा इसी में बात हुई। फिर वहाँ वो सब्जी नहीं लिया जी, जाके दूसरे जगह दूसरे सब्जी वाले के यहाँ सब्जी लिया, हो गया और घर चला गया, हो गया। देवरी चौकी आ रहे थे, हो गया। और पीछे पीछे जिसने हत्या की है उसने पीछे पीछे आया, हो गया, और आगे गाड़ी बढ़ा के पीछे बैक करके आया, हो गया। बैक करके सामने से मुंशी जी को तेज जोरदार टक्कर मारा, हो गया। ये लोग हल्ला करते करते वहाँ तक दौड़े, हो गया नदी तक, हो गया। भैया रोक दो, हो गया। लेकिन इसने हो गया रोका नहीं, लगभग एक आधा किलोमीटर दूर ले गए, घसीट के हो गया और बहुत दर्दनाक मौत हुई। कल हुए विवाद में एक व्यक्ति के द्वारा जो है वन विभाग के मुंशी की जानबूझ करके अपने पिकअप से मोड़ करके सामने ला करके उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई और उसको करीब उसकी हत्या की नीयत से करीब 900 मीटर घसीटा गया। तो इस पूरी संपूर्ण घटनाक्रम में उक्त प्रकरण जो है हत्या का पाए जाने से इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की धरपकड़ के लिए हमने टीम रवाना कर दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।